Students, how are you all? Hope you all are fine and healthy. Hope you have completed the chapter number 4, sorting materials into the group. We have completed up to question number 4. Today we will do the question number 5. Question 5. Answer the following question in short. First question. In how many different categories can a material be classified on the basis of its transparency? Transparency means you are able to see the other side of the object or a material. कोई भी ऐसा material जिसके आप other side देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, clear देख सकते हो, that is a transparency. ये two example of चीज, उन सब के आपको क्या करने दो examples देते हैं. A material can be classified into three different categories on the basis of its transparency. कितने categories में वो divided है? They are divided into three categories. Which categories they are? Transparent material, opaque material and translucent materials. So what is transparent material? When you are able to see the other side object very clearly. हमने जिराफ का एग्जांपल देखा था ना, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से हम अदर साइड कैसे देख पाते, पूरा क्लियर देख पाते कि ऑब्जेक्ट के दूसरे साइड क्या हो रहा है. सो दैट इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल? ग्लास एंड वाटर. इफ यू वांट टू राइट एनी अदर एग्जांपल यू कैन राइट इट डाउन. Opaque materials, the materials from which you are not able to see other side. आप जब object के दूसरे side बिल्कुल भी नहीं देख पाते हो, we call it a opaque materials. Example, wood and iron. Translucent materials, ऐसे materials जिसके other side आप देख तो सकते हो, लेकिन पूरा clearly नहीं देख सकते, partially मतलब धुंधला type आप देख सकते हो, we call it a translucent material. Example, oil paper and a sand glass. We have written the oil papers. Oil papers ऐसे होते हैं जिसका आपको दूसरे साइड कैसे होता है, वो partially दिखता है. और sand glass से भी आपको क्या होता है, partially दिखता है, पूरा clear नहीं दिखता है. Now we will do question number 2. What are the benefits of grouping materials? अब हमको grouping materials के benefits कौन-कौन से होते हैं? So grouping materials has the following benefits. कितने benefits हैं? बहुत सारे. Here आप discuss the 3. ओके, सिमिलर ऑब्जेक्ट आप इस टुगेदर मेकिंग देम इजीयर टू लोकेट. अगर एक जैसे ऑब्जेक्ट है तो आप उनको प्रॉपर्ली एक जगह रख सकते हो, जैसे वुड के ऑब्जेक्ट एक जगह रखा, ग्लास के ऑब्जेक्ट एक तरफ रखे, ऐसे करके जब आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं आप उनको अगर उनके प्रॉपर्टी के बेसिस में रखते हो, उनके अपीयरेंस, उनके हार्डनेस, इन सब के बेसिस में जब आप रखते हो उसको इजिली लोकेट कर सकते हो, मतलब इजिली उसको एक जगह रख सकते हो और इजिली आपको ढूंढ भी सकते हो कोई ऑब्जेक्ट. Dividing materials into weight groups make it easier to study their properties. अगर आप materials divide करो, मतलब मैं आपको कुछ materials दे दूँ, कुछ wood के बने हुए दे दूँ, कुछ plastic के दे दूँ, कुछ leather के बने, जब मैं उनको अगर मैं उनको अलग अलग करके रखूँ कि wood के मैंने अलग कर दिए, leather के मैंने अलग कर दिए, अब जब मैं उनको अलग कर दूंगी तो मुझे उनकी properties क्या हो सकेगी, easily मैं उसको study कर सकती हूँ कि वो hard था, soft था, luscious है, non-luscious है, कितना ट्रांसपेरेंट है, ओपैक्यू है, ट्रांसलूसेंट है, ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं. ग्रुपिंग ऑल्सो हेल्प टू स्टडी द पैटर्न्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स. ग्रुपिंग स्टडी करके हमको इसलिए उसके पैटर्न्स भी स्टडी कर सकते हैं कि वो कैसा है, किस मटेरियल का बना हुआ है, किसका नहीं बना हुआ, दीज ऑल थिंग्स वी विल स्टडी बाय द ग्रुपिंग. क्वेश्चन नंबर 6. फर्स्ट क्लासिफाई द फॉलोइंग मटेरियल्स इनटू दैट शाइन एंड द मटेरियल्स दैट डू नॉट शाइन. आपको बताना है जो मटेरियल शाइन कर सकते हैं और जो मटेरियल्स शाइन नहीं कर सकते. सो जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, शाइन करते हैं. जस्ट लाइक एग्जांपल आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, ये सारे मेटल्स हैं और मेटल्स हमेशा क्या करते हैं, शाइन करते हैं, दे आर लस्टरस ऑब्जेक्ट्स. मटेरियल्स दैट डू नॉट शाइन, ब्रिक, स्टोन, वुड, अर्थन पिचर, अर्थन पिचर मतलब मटका जैसा होता है ना, वो सब क्या करते हैं, वो शाइन नहीं करते. सो व्हिच आर एग्जांपल्स ऑफ दैट नॉट शाइन, ब्रिक, स्टोन, वुड, अर्थन पिचर. सेकेंड क्लासिफाई द फॉलोइंग मटेरियल्स इनटू सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर. आपको बताना है कुछ वाटर में सॉल्युबल होते हैं और कौन से इनसॉल्युबल. सो मटेरियल सॉल्युबल इन वाटर आर शुगर, एलम, सॉल्ट पिचर, वॉशिंग सोडा, लेमन सॉल्ट, हनी. दीज आर द सॉल्युबल इन वाटर, है ना. शुगर आप देखा है सॉल्युबल होता है, एलम होता है, एलम मतलब फिटकरी, वो भी क्या होती है, सॉल्युबल होती है वाटर में. सॉल्ट पेटर, वॉशिंग सोडा जो हम यूज करते हैं, लेमन सॉल्ट, हनी, ये सारे क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं. मटेरियल्स डू नॉट सॉल्युबल इन वाटर.
colored water. Now we will do question number 7. Match the following pairs. Here section A is given. You have to write the answers here. And section B, copper. Copper is a hard material. So here you will write B. Wax. Wax is a soft material. So here you will write D. Glass. Glass is a transparent. You are able to see the other side of the glass. Na? Glass is a part of the surface. So it is a transparent material. Mixture of water and oil. Water or oil ka mixture kabhi mix hota hai? No, they do not mix. So students write from question 5 to question 7 in your workbook. Thank you.